नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग आईयूएस रिलेटेड सीट्स, एडमिशन प्रोसीजर, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे कि आप अगर आयुष काउंसलिंग 2023 कैसे होती है, क्या करना होता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी सीट्स है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और कट ऑफ की भी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर आयुष काउंसलिंग 2023 की डिटेल देने से पहले हम आपको 2022 की डिटेल्स के बारे में बता देते हैं। आयुष जो रेफर करता है वो करता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अगर हम यूजी कोर्स के बारे में बात करें तो ये आपके 5 कोर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम सीट्स के बारे में बात करें तो आयुष के अंदर 52,720 सीट्स है। अगर हम बात करें आयुष कॉलेजेस के बारे में तो यहाँ पर सिर्फ आयुर्वेदा कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि है 914। अगर हम बात करें कि काउंसलिंग की जो अथॉरिटी है वो है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी द्वारा, जो कि है AAACC। तो आपको अब क्या करना है, ये आपके नीट के बेसिस पे ही होगी, जितने मतलब आपका नीट क्वालिफाइड है उसके बेसिस पे आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जितनी कट ऑफ जाएगी आप उससे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से होगा, आपको क्या करना है, AAACC में रजिस्ट्रेशन करना है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन वहाँ से आता है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, उसके बाद आपका जो है फीस फिल होगी और उसके बाद आपकी जो है वो काउंसलिंग जो है आपकी शुरू होगी। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं अभी नीट का रिजल्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करें तो वही है 137 और SC ST OBC के बारे में बात करें तो 107 गई। अगर यही बात हम पिछले साल के बारे में करें तो वो गई थी 170। अब नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 50% जो सीट्स होती है AAACC जो में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ऑल इंडिया सीट्स होती है आपकी, 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है, 85% आपके स्टेट कोटा सीट्स होती है, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी अलग से सीट्स होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कॉलेज के हिसाब से आपके हर स्टेट में कितने कॉलेज है इसके हिसाब से वीडियो बनाए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।